अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि के तौर पर जाना जाता है, लेकिन कुछ दक्षिण कोरियाई लोगों के लिए अयोध्या खास महत्व रखता है। दरअसल दक्षिण कोरियाई के लोगों का मानना है कि अयोध्या से 2000 साल पहले एक राजकुमारी सूरी रत्ना यानी हु हॉन्ग ओक अयोतो यानी अयोध्या से दक्षिण कोरिया के ग्योंग सांग प्रांत के किम्हाए शहर आई थी। यहाँ उनका विवाह कोरिया के कारक वंशी राजा किम सोरे से हो गया था, जिसके बाद वो कोरिया की महारानी बन गई। यही वजह है कि अयोध्या में रामलला के मंदिर के उद्घाटन को लेकर दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग चे बोक ने कहा कि अयोध्या भारत और साउथ कोरिया के लिए ऐतिहासिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि अगर भारत सरकार राम मंदिर के उद्घाटन का आधिकारिक निमंत्रण देती है तो निश्चित तौर पर साउथ कोरिया कार्यक्रम में शिरकत करेगा। समाचार एजेंसी से बातचीत में चांग जी ने कहा, अयोध्या भारत और साउथ कोरिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार या यूपी सरकार को राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। अगर भारत सरकार आधिकारिक निमंत्रण देती है तो निश्चित तौर पर दक्षिण कोरिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काम करेगा। दरअसल अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में मंदिर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा सकता है। 21 से 23 जनवरी के बीच तारीख का चयन होना है। खुद पीएम मोदी तारीख तय करेंगे क्योंकि उन्हीं के हाथों इसका उद्घाटन होगा। बता दें कि राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में राम मंदिर की नींव रखी थी। विश्व हिंदू परिषद ने भी घोषणा कर दी कि राम मंदिर उद्घाटन के दिन देश भर के सभी बड़े मंदिरों में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। मंदिर निर्माण के लिए नेपाल से विशेष पत्थर लाए गए, जबकि महाराष्ट्र से सागौन की लकड़ी मंगाई गई। इस पर तमिलनाडु के कारीगरों ने शानदार नक्काशी की है। उद्घाटन कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की भी संभावना है। अब आपको बताते हैं कि आखिर अयोध्या और साउथ कोरिया का रिश्ता इतना अहम क्यों है। दरअसल हजारों दक्षिण कोरियाई लोग हर साल अयोध्या आते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो इस शहर में अपने वंश का पता लगा सकते हैं। कई ऐतिहासिक कोरियाई कहानियों में एक भारतीय राजकुमारी सूरी रत्ना का उल्लेख है, जिसे हेउ हॉन्ग ओक के नाम से भी जाना जाता है, जिसने लगभग 2000 साल पहले ग्युमवान के राज सुरो से शादी की थी। कहते हैं कि जिस वक्त राजकुमारी का विवाह हुआ उस वक्त वो 16 साल की थी। इसके बाद वो कभी अयोध्या नहीं लौटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल टीम के साथ। नमस्कार।